According to VACPR model, the shape of XEOF 5 minus, हमें शेप बताना है XEOF 5 minus का शेप. XE के आउटर मोस्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और यहां पर XE ने क्या किया है, 5 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ में और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ में शेयर किए हैं. तो इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो XE O minus F F F F 1 2 3 4 5. XE के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, XE के पास कितने होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर हो गया ये 7 और 8. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये होता है SE3E3. एक लोन पेयर आ गया है तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी यहां पर, इसको बोलते हैं हम पेंटागोनल पिरामिडल शेप. क्या होगा ये, पेंटागोनल पिरामिडल. इसको हम डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, इस शेप को बोला जाता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल. फर्स्ट हमारे पास ऑक्टाहेड्रल गलत, सेकंड है ट्राइगोनल पिरामिडल, ये भी गलत है, स्क्वायर पिरामिडल, पेंटागोनल मोनो पिरामिडल, और एक और इसका नाम क्या होता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट.